दिया गया है कि बार बार हमारे बताने के, बोलने के, गुजारिश करने के बावजूद HSIDC ने इस इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं किया। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें आश्वासन मिल जाते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट इन चीजों के बिना फैक्ट्री कैसे चला सकता है? HSIDC ने 12,000 रुपए रेट कर दिया और 12 रुपए की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट नहीं है। हर बारी हमें यही बोला जाता है, ये काम हो जाएगा। धांधली कर रखी है, हर ठेकेदार इनका अपना है, हर बिल जो पास होता है वो इनकी जेब में जाता है, कोई काम नहीं होता है। जब हमने ये चीज को उठाया तो हमारे हमारी एसोसिएशन की रजामंदी के बिना इन ठेकेदारों के बिल पंचकुला भेज दिए गए पास करने के लिए। वो मेंटेनेंस एक्सपेंस है जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट ने बियर करना है। हमारी रजामंदी के बिना वो बिल आगे जा नहीं सकता, इन्होंने फिर भी भेज दिया और वो पेमेंट कर दी इन्होंने उनको नहीं पेमेंट, और वो सारी पेमेंटें जो हैं वो सब इन लोगों की आपस में मिली भगत है, कोई काम नहीं होता। ये बहुत खूबसूरत बना दिया इन्होंने HSIDC का ऑफिस। आप हमारी फैक्ट्री के बाहर चल के देखिए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हम बिहार में रहते हैं क्या? सारी सड़कें टूटी हुई हैं और जो लेबर यहाँ पे इनका काम करती है उसकी झुगियां उन्होंने हमारी फैक्ट्रियों के आगे डाल रखी है। वो वहां पे गंध डालते हैं, झुगियां वहां पे डाल रखी हैं। और हम अब इकट्ठे हुए हैं तो हमें बोल रहे हैं कि आप बैठिए, आपको आश्वासन दे देंगे। हम आश्वासन लेके जाने वाले नहीं है, हम यहाँ पे फैसला चाहते हैं, हम ट्रांसफर मांगेंगे। आज जो इम्प्लॉयज ने धांधलेबाजी कर रखी है यहाँ पे, उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। यहाँ पे सस्पेंशन हो, ट्रांसफर हो, उनके अगेंस्ट एक्शन हो। एक्शन होगा तो हम यहाँ से हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। हमारी डिमांड जो है जी, HSIDC बड़ी में सफाई का कोई काम नहीं है, बड़ी में सीवर सारे जाम हैं, स्ट्रीट लाइट का कोई इंजाम नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, आवारा पशु सारी जगह घूमते रहते हैं, और टेक्निकल बिलिंग के कर्मचारी व अधिकारी उद्योगपतियों को धमकी देते हैं कि अगर आप हमारा कुछ बोलेंगे तो हम फलाना कर देंगे, हम ढंगा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों से हम बड़े परेशान हैं उद्योगपति, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। विभाग ने हमारे को 24 घंटे लाइट देनी शुरू कर दी थी, लेकिन HSIDC के जो ठेकेदार थे जिन्होंने यहाँ पर लाइट का काम किया है, वो पुरानी केबल लगा दी और बक्से जो हैं वो घटिया किस्म के लगा दिए जो हर रोज़ जल जाते हैं। उससे लाइट जो है 4 से 5 घंटे हमारे को बड़ी मुश्किल से मिल रही है। उस ठेकेदार की, उस कंपनी की हमने बार बार कहा कि उसकी पेमेंट रोकी जाए। मेरे हिसाब से HSIDC ने जानबूझकर उसकी पेमेंट कर दी और वो बक्से जो है बार बार जल रहे हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो इसकी जांच भी करवाई जाए, उस ठेकेदार की पेमेंट रोकी जाए, और जिस HSIDC के अधिकारी ने उसकी पेमेंट की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारी मुख्य डिमांड आज की। एक एक इशू डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, वन बाय वन सारे इशू, और फिर उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा ढंग से डीसी जो सर हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं इसको। ये बेशक आपको इंडस्ट्रियल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पैसे पैसे का हिसाब लेते रहेंगे।